हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे दो रेसिपी। आज का रेसिपी है सहजन की डांठा और रुई फिश नहीं चारा पोना। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम बनाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। हम काट लिए हैं सहजन की डांठा, ये देखिए इसको हम काट लिए। अभी हम आलू काट लेंगे। सहजन की डांठा और आलू की सब्जी, ये देखिए मेरा काटना हो गया। सहजन का डांठा को ऐसे काटे हैं, छीले नहीं इसका छिलका, सब ऐसे काटे हैं। अभी टमाटो भी काट लेंगे। तो मेरा टोमेटो भी काटना हो गया, देखिए सब कुछ मेरा काटना है हो गया है। अभी हम मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पे है अदरक लहसुन एक साइड, और इधर हम काट के रखे प्याज, और लिए हैं थोड़ा सा जीरा, इसको अभी हम पीस लेंगे। पहले हम पीस लेंगे अदरक और लहसुन को। ये वाला पीसना मेरा हो गया, अभी हम पीस लेंगे प्याज। प्याज पीस लिए। अभी हम पीस लेंगे जीरा। तो जीरा भी मेरा पीसना हो गया, इसको मिला लेते हैं। दे दिए हम कढ़ाई में सरसों की तेल। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम दे देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम दे देंगे सहजन और आलू। देखिए मेरा फिश है, इसको अभी हम अच्छा से धो लेंगे। ये सबको अच्छा से हमको धोना पड़ेगा, इसको फेंक देंगे। सहजन फ्राई होते होते सब मछली सबको हम अच्छा से साफ कर लेंगे। देखिए साफ कर लिए, देखिए अच्छा से सारा मछली को साफ कर लिए। मछली को हम अच्छा से धो के ले लिए हैं। अभी इसमें हम दे देंगे हल्दी पाउडर और नमक, दे के अच्छा से मिला देंगे। अच्छा से दे दिए हल्दी पाउडर और देंगे नमक। हल्दी पाउडर और नमक देके इसको अच्छा से मिला लेंगे। अच्छा से देखिए मेरा मिलाना हो गया है। अभी इसको कुछ देर छोड़ देंगे, 5-10 मिनट जैसा, अच्छा से इसके साथ मिल जाएगा। इसको छोड़ देंगे अभी 5-10 मिनट जैसा। तब तक देखिए मेरा सहजन क्या हुआ है।
गया है। देखिए ये फ्राई किया हुआ सहजन अभी हम निकाल लेंगे। पेस्ट लहसुन पेस्ट और जीरा, देखिए इसे फ्राई करेंगे। दे देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, अभी इसमें हम दे रहे सहजन की दाल का, थोड़ा सा पानी दे देंगे। दे देंगे थोड़ा सा टोमेटो, अभी इसको मसाला के साथ और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, देंगे भाग देंगे। देखिए बहुत अच्छा से फ्राई हो गया है, आलू भी कुक हो गया है। इसमें अभी दे देंगे पानी, पानी देके और थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। दे देंगे पानी, देखिए इसको अच्छा से बॉईल कर लेंगे तो सहजन भी अच्छा से बॉईल हो जाएगा। ऐसे बॉईल करेंगे क्योंकि मेरा सहजन भी देखिए कुक हो चुका है, ये देखिए ये देखिए, इसीलिए इसको और हम ढकेंगे। ये देखिए डांठा मेरा हो गया है सहजन की डांठा, इसका देखिए कितना अच्छा से ग्रेवी भी हो गया, ठंडा होने से और ये थोड़ा सा सूख जाएगा, तो ऐसे ही इसको अभी हम उतार लेंगे। ये रेडी हो गया मेरा सहजन की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा, खा के बताएंगे आप लोग को। फिश में सरसों की तेल गरम कर लेंगे थोड़ा सा, कर लेंगे पहले। एक साइड मेरा ठीक फ्राई हो गया, गोल्डन फ्राई, और एक साइड भी हम अच्छा से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड अच्छा से हम फ्राई कर लिए, अभी इसको हम निकाल लेंगे। मछली को फ्राई कर लिए, सारा मछली मेरा फ्राई हो चुका है। अभी इसी तेल में अभी हम आलू सब को फ्राई कर लेंगे, आलू इसको फ्राई कर लेंगे। दे देंगे थोड़ा सा नमक, देखिए ढक के इसको फ्राई कर देंगे, ढक देंगे, ढक के इसको फ्राई कर देंगे। आलू फ्राई हो गया, अभी इसको हम निकाल लेंगे। तेल भी मेरा बच गया, इसी तेल में अभी हम बना लेंगे सब्जी, और थोड़ा सा तेल दे देंगे। इसमें हम दे देंगे प्याज, थोड़ा सा तेज पत्ता दे दिए। प्याज भी मेरा फ्राई हो गया, इधर हम ये मसाला दे देंगे हम।
मसाला में दे देंगे अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट और जीरा जो पीस के रखे थे हम सारा मसाला दे देंगे। देखिए इसको हम अच्छा से फ्राई करेंगे। यहाँ पे दे देंगे हल्दी पाउडर, सब कुछ दे दिए अदरक लहसुन प्याज और जीरा। उसके बाद दे दिए हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चला चला के हम दे रहे हैं, नहीं तो नीचे से मसाला जल जाएगा। उसके बाद इसमें दे देंगे हम थोड़ा सा दे देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे हम मिर्ची नहीं यूज किए हैं, आप लोग जैसे तीखी पसंद करेंगे वैसे मिर्ची आप लोग दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। दे दिए धनिया पाउडर। देखिए अच्छा से मसाला को फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छा से फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा हम पानी दे दिए, नहीं तो नीचे से मसाला जल जा रहा था। पानी देके अच्छा से मसाला फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मसाला फ्राई कर लिए थोड़ा सा। उसके बाद हम दे दिए टोमेटो। टोमेटो देके अच्छा से टोमेटो के साथ मसाला फ्राई करेंगे, टोमेटो से पानी भी निकलेगा और मसाला भी फ्राई हो जाएगा। तो दे दिए और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक देके अच्छा से सब कुछ फ्राई कर लेंगे। सब कुछ फ्राई करने के बाद इसमें अभी हम दे देंगे आलू। आलू देके इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए मसाला फ्राई हो गया। मसाला मेरा फ्राई हो गया। अभी इसमें हम दे देंगे थोड़ा सा पानी। इसके बाद दे देंगे इसमें आलू। आलू मेरे आलू। अच्छा से फ्राई हो गया। अभी इसमें हम दे देंगे पानी। पानी देके इसको उबाल लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे, इसका ग्रेवी जैसा बनाएंगे। ऐसे इसको रखेंगे बस। अभी इसमें हम दे देंगे मछली। मछली को देके थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसको उतार देंगे। ये मेरा मछली जी बन के रेडी। अभी इसको उतार लेंगे। रेडी हो गया, बन गया है। सब कुछ मेरा बन के रेडी। देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में भी शायद टेस्टी होगा, अच्छा ही होगा। तो ये सहजन का डांठा देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मछली भी बन गया है। अभी खाना निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सब कुछ खा लेंगे। तो चलिए देखते रहिए। तो अभी हम खाना निकाल रहे हैं। ये है सोयाबीन की डाटा। ये है साग। यहाँ पे खाना स्टार्ट कर लिए हम लोग, गर्मा गर्म भात के साथ सब गर्म गर्म सब्जी। बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, सब कुछ जब गर्म गर्म होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे बनाइए मेरा जैसा, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। ऐसे करके बनाने से बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सरसों मछली में सरसों नहीं दिए हैं, सरसों देके भी अच्छा लगता है। यहाँ पे हम सरसों सहजन में भी नहीं दिए हैं, सहजन में भी सरसों देके अच्छा लगता है, लेकिन आज हम कोई भी चीज में सरसों नहीं दिए हैं, बिना सरसों का बनाए हैं, फिर भी बहुत अच्छा टेस्टी लगा है। आप लोग भी ऐसे घर में एक बार ट्राई कीजिए। अभी सहजन का सीजन है तो हम लोग अभी खा ले रहे हैं। तो देखिए कैसा लगा है मेरा वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। ऐसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तो आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट छोड़ के कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, जैसे हम आगे जा पाए। तो देखिए यहाँ पे खा लेते हैं, उसके बाद और क्या
तो ऐसे आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए, उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताइए। अभी हम खा ले रहे हैं सोजन की डांठा के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू कोई वीडियो के साथ, न्यू कोई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, तो टेक केयर। तो आज के लिए इतना ही।